फार्मा वारियर चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ECH में जो वैकेंसी भी निकला है फार्मासिस्ट का, उसके बारे में डिटेल्स में। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है ECHS.government.in। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जहां से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आने के बाद आपको जाना है चेन्नई का जो सेक्शन है, चेन्नई के सेक्शन पर, जो कि आज का नोटिफिकेशन का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि देख पा रहे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ फॉर ECHS पॉलिक्लिनिक। तो उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा, जो कि 12 मई को निकला है। तो यहाँ पर आपको एक ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लिया जा रहा है, जो कि आपका 30 मार्च 2024 तक चलेगा। और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 9 जून के अंदर आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। इस नोटिफिकेशन निकलने के पहले जो मेरे को जो नोटिफिकेशन निकला था चेन्नई में वैकेंसी के लिए, वो आपको कैंसिल कर दिया गया है। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, तो उसको आपको कैंसिल करके ट्रीट करना है। तो यहाँ पर जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा सेक्टर पे फॉरवर्ड किया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ECHS इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, एक सर्विसमैन एंड द सिविलियंस। मतलब आप लोग भी यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो एक सर्विसमैन है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके लिए इन पर छूट दिया गया है। और सिविलियंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको लिया जा रहा है, जो कि 30 मार्च 2024 तक आपको चलेगा। जो जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड होगा उसको SMS और ईमेल के थ्रू गठित किया जाएगा जो इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो पीरियड होने वाला है एक सर्विसमैन के लिए 12 मंथ, और जो सिविलियंस अप्लाई करेगा उसके लिए 11 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको पहले लिया जाएगा। तो उसको बाद में आपको रिन्यूअल करवाया जाता है उसका नोटिफिकेशन निकलने के बाद। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का टोटल वैकेंसी वो है 9 पोस्ट की वैकेंसी, जो कि वेलोर पे, आबादी पे, कंचीपुरम पे, ईस्टलैंड ग्राउंड पर, बुल्लूपुरम पर, पुंडुचेरी पर एंड चुटालोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसी वो 9 पोस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पर बी फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्मा नहीं आएगा तो आपको डिप्लोमा के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर 10+2 पास करना पड़ेगा। उसके साथ 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना जरूरी है फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर लेने के लिए। टोटल जो आप 53 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी होने वाला है वो है 28,100 तक आपको यहाँ पर सैलरी होने वाला है। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर दिए गए जनरल जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पर जितना भी पोस्ट है उसके लिए अलग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, अलग से आपको यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको भेज देना है स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS 4 सेंट जीरोज चेन्नई 64009। और 9 जून से पहले आपको इसको भेज देना है उस वाले एड्रेस पर, और जिसके एनवेलप आप भेजेंगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको भेज देना है आपको जब एक सर्विसमैन हो तो आपका PPO का सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और एडुकेशन को सर्टिफिकेट जितना भी है 10, 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन जैसे कि फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भेजना है, कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और जितना भी आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आप भेज सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर और भी बहुत सारा जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी मैच हो तभी आप इसमें अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और कोई भी सेपरेट लेटर नहीं मिलने वाला है आपके इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर कैंडिडेट ऑल भी ओरिजिनल कॉपी लेना है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस टाइम पर कोई भी TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। और इस रिगार्डिंग कोई भी चेंज हो तो, कोई भी नोटिफिकेशन का चेंज हो, कोई भी वैकेंसी चेंज हो, तो ये आपको ECHS ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो रखना है। और जो जो कैंडिडेट पहले ECHS सेल में काम करता था अभी एक ईयर का गैप हो चुका है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ईयर का गैप नहीं होने पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर कोई भी आप मिस इन्फॉर्मेशन और गलत और कैनवासिंग कोई सर्टिफिकेट डालते हो तो आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए अब दिखा देते हैं आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो हम लोग आ चुके फिर से वो वाले होम पेज पर जहाँ पर आपको क्लिक है तो डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। आप इसमें देख पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट ECHS। तो फर्स्ट आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर द फार्मासिस्ट कर लेना है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको अच्छे से भर लेना है। भर लेने के बाद यहाँ पर जो
कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको 2.5 डेज का लीव मिलेगा फॉर मंथ कंप्लीट करने पर, और 6 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक साथ पूरा लीव को ले सकते हैं। वर्किंग आवर्स जो रहेगा वो आपको मंडे टू संडे तक, सैटरडे तक आपको काम करना पड़ेगा, संडे एक दिन छुट्टी रहेगा, और आपको 8 आवर्स करके ड्यूटी कर लेना है 6 डेज। तो टोटल जो ड्यूटी आवर्स होता है 48 आवर्स का ड्यूटी पर वीक आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर टर्मिनेशन जो सर्विस के बारे में बताया गया है वो है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेट बाय द आइदर साइड या तो गिविंग 1 month नोटिस पीरियड। आप कभी भी इसी पे काम छोड़ सकते हैं 1 month का नोटिस पीरियड देके। कंपनी का तरफ से भी, इसी एज के तरफ से भी आपको 1 month का नोटिस पीरियड दिया जाएगा आपका काम अच्छा नहीं लगने के लिए, और आप भी 1 month का नोटिस पीरियड देके वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार दिखा देते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और क्या क्या कुछ भेजना पड़ेगा उसके बारे में। इस वाले जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको फिलअप कर लेना है कोई भी CMOH के तरफ से व कोई भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से। तो इसके साथ आपको भेज देना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट, कोई भी अटेम्प्ट कोई भी सर्टिफिकेट होता है जैसे कि MBA फार्मेसी का सर्टिफिकेट, वैलिड मेडिकल और डेंटल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का जितना भी सर्टिफिकेट है, बोस वाला सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करते हो तो आपको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का डालना भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है वो 9 पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें आप 53 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर बी फार्मा होने पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी रहेगा तो उसके साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है, और मिनिमम आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर 70% जो पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहता है, कोई भी एक सर्विसमैन नहीं अप्लाई करता तो सिविलियंस भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो फुल इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक से कि अब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, ताकि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा एरोस। फार्मा एरोस के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।